तो आपको बता दें कि डॉलर की मजबूती और उसके मुकाबले रुपया कमजोर होने का असर अब दलहन के बाजार पर भी पड़ने लगा है। रुपया कमजोर होकर 77 के पार पहुंच गया, इससे दलहन का आयात और महंगा बैठने लगा है। वहीं बर्मा से दलहन आयात की लैंडिंग लागत अधिक आ रही है। वहीं मसूर आयात पड़ताल ऊंची बैठने और दाल मिलों की हाजिर मांग जोरदार रहने से भाव में सुधार रहा। आपको बता दें कि इंदौर में मसूर दाल अब सुधर कर 6650 रुपये प्रति क्विंटल तक बोने जाने लगी है। सूत्रों के अनुसार कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से चालू सप्ताह के अंत में मसूर की आवक कोलकाता में होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई मसूर के दो वेसल लगभग 55,000 से 60,000 टन और कनाडा से एक वेसल करीब 3,000 टन मसूर लेकर आएगी। इस आवक के बाद मसूर के बढ़ते दामों में रुकावट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर मूंग दाल में नीचे दामों पर सीमित रूप से पूछताछ आने से भाव में 100 रुपये की तेजी रही। मूंग दाल बढ़कर 8400 से 8500, बेस्ट 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। नई मूंग में मिलों की अच्छी लेवाली रहने से भाव मजबूती पर टिके हुए हैं। मूंग बेस्ट 6800 से 7000, एवरेज 6000 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली जा रही है। तो यानी कि जिस हिसाब से अमेरिकी डॉलर महंगा होता जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भारतीय रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, तो इससे आयात पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है, आयात महंगा बैठ रहा है। क्योंकि जब भारत रुपया कमज़ोर होने के बाद ज़्यादा आयात करेगा तो भारत को ज़्यादा कीमत भी चुकानी होगी उसी करेंसी में, तो इसलिए आयात अब ज़्यादा महंगा बैठने लगा है, जिसकी वजह से जो दालें हैं उनकी जो प्राइसेज हैं आयातित दालों की वो बढ़ी हैं और उसका असर घरेलू दालों की कीमतों को अब कहीं कुछ मिलता नज़र आया है।